पुलिस गिरफ्त में दिखाई देने वाला ये ऐसा आरोपी है जिसका नाम तो शरीफ है लेकिन करतूत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आरोपी शरीफ ख्वाजलीकला गांव का रहने वाला है जिसने करीब 2.5 महीने पहले ख्वाजलीकला गांव में पुराने झगड़े के चलते अपनी 8 वर्षीय बेटी को गोली मारी थी। गनीमत रही कि गोली लगने से लड़की की मौत नहीं हुई। मंगलवार को आरोपी पिता शरीफ को पुलिस ने सिकरावा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर दिया। पिनंगवा थाना प्रभारी शमसुद्दीन ने बताया कि गांव ख्वाजलीकला में आरोपी की गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी जिसको लेकर दोनों पक्षों में बीती 31 जनवरी को झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के कारण आरोपी पिता शरीफ ने जंगल में ले जाकर अपनी 8 वर्षीय बेटी मोई माँ को 2 जनवरी को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी पिता ने दूसरे पक्ष के लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज करा दिया। लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो 8 वर्ष की मासूम के गोली देने का मास्टरमाइंड आरोपी उसका पिता शरीफ ही निकला। नाम क्या है? शरीफ। ये अपनी बेटी को गोली आपने मारी? गलती होगी। क्यों मारी? वजह क्या? तो किसने सलाह दी थी आपको? तो फिर मतलब किसी ने सलाह दी अपनी मर्जी से? तो आप खुद दो दो मुकदमे में फंस गए अपनी बेटी को गोली में। अब कैसा लग रहा है आपको? जगह नहीं, गलती मान रहे। ऐसा तो नहीं पुलिस ने आपको झूठा फंसाया हो? सही है, मतलब गोली आपने मारी। इस शरीर से छोटे गांव फाजलीका का रहने वाला है जी। इनका आपस में 31 बार को मुकदमा दर्ज हुआ था, क्रॉस केस हुआ था मेरा झगड़े का, और इनकी पुरानी रंजिश पहले से चली आ रही आपस में। उस रंजिश मार के इन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज कराया है। मैं मेरी लड़की के गांव के भाई ने मैंने 2 आदमियों 3 आदमियों के नाम लिखवाए थे, और गांव वालों ने ये कहा था कि भाई इस लड़की खुद को गोली मारी। उसमें हम इसकी तफ्तीश गहनता से करते रहे, जो मौका से जो हमने मिट्टी खून आलू वगैरह जो उठाए गांव वालों के निशानदेही पर, ये इसने जहां बताया वहां पर हमें कुछ नहीं मिला। हमारा भी शक जाहिर होने लग गया। उसी दिन से हमारी तफ्तीश चलती रही। हमने इसको गिरफ्तार किया है लड़ाई झगड़े के मुकदमे में। उस कट्टा के बारे में पूछा, वो असला कहाँ? इसने बताया भाई ये वारदात मैंने अंजाम अपनी लड़की की गोली मार थी उसको दिया है। आज हम इसको पुलिस रिमांड कर लेंगे और कट्टा भी बरामद करेंगे, कट्टा बरामद करेंगे, और ये खुद अपनी लड़की किसने गोली मारी है ये सच्चाई सामने आ चुकी है। जनाब कितने उम्र की ये लड़की है जिसको इन्होंने गोली मारी है? 8 साल की उम्र की बच्ची है। इसने बड़ी घिनौनी हरकत करी है। हमने इसको सच्चाई को निकालने के लिए इसमें हमने काफ़ी दिन से हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही और इसमें ये असल हो सकता। तो बच्चे की क्या कंडीशन है जी फिलहाल? बच्ची ठीक है, ट्रामा सेंटर दिल्ली में बताते हैं इसको, बच्ची लड़की ठीक है।